very basic three inequalities which I wanted to discuss with you guys. Question number one. इन सबके अंदर में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. पहली बार क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करें तो ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. आप अपने आप सोच करके देखें, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर में कौन है? एक्स स्क्वायर है. कौन है? एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स पावर 4 हो, वाई हो, कुछ भी होता रहे. मुझे कहा गया है ये क्वांटिटी 4 या 4 से बड़ी है. ये तभी आएगी जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई भी क्वांटिटी 4 या 4 से बड़ी होगी. आप सोच करके देखें, मेरा कहने का मतलब एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तभी ये संभव हो सकती है बात. आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन मेक द यूसेज ऑफ द अनदर वेरिएबल ऑल्सो. आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर ले भाई. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 4 या 4 से बड़ा कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर तो जो आउटपुट आएगा वो इसी बात पे निर्भर करेगा कि इनपुट क्या गया है. अगर इनपुट 4 होगा तो आउटपुट भी 4 आएगा. 4 से बड़ा होगा तो आउटपुट भी 4 या 4 से बड़ा आएगा. समझ के देखे, जैसे 4.1 गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में तो 4 आएगी वैल्यू, लेकिन 5 गया तो 5 आएगी वैल्यू, लेकिन 4 से कम गया इनपुट तो 4 भी नहीं आएगी वैल्यू. क्लियर? तो उस एंगल से मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया कि t की जगह मैंने एक x square वैल्यू पुट कर दी और नाउ इट कैन बी सॉल्व वेरी वेरी इजीली. यानी x square minus 4 is greater than or equal to 0, यानी x minus 2 into x plus 2 is greater than or equal to 0, तो यानी x belongs to minus infinity से minus 2 union 2 से लेकर के infinity, that is the answer to the question number 1. क्लियर है बाकी? चलिए बहुत बढ़िया. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब ध्यान दो इस बात पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 दिया हुआ है. ठीक है, अब किसी भी चीज का फिर दोबारा एक्स स्क्वायर को टी माना. आप ऐसे समझो, पुट किया आपने एक्स स्क्वायर को टी लेट अस से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू 3. फिर दोबारा मैंने आपको फंक्शन में एक बात बता रखी है कि इनपुट आउटपुट का गेम है सारा का सारा. अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में इनपुट टी जा रहा है तो आउटपुट हम कह रहे हैं 3 या 3 से छोटा हो. ध्यान दो इस बात पे, आउटपुट जो है 3 या 3 से छोटा हो. तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं? आप खुद से सोच करके देखो, टी लेस देन 4 होगा. एक बार थॉट डालिए, टी लेस देन 4 होगा. क्योंकि अगर टी 4 से छोटा होगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 4 से छोटा कौन? लेट अस से 3.9. 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन? 3. इक्वालिटी आई, बिल्कुल सही. लेकिन अगर टी 4 हो गया, सोच के देखिए आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 विल बी 4. अब 4 3 से छोटा नहीं होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए टी 4 से छोटा होना चाहिए. और आपने ग्राफ को खोल करके देखो, जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पढ़ाया हुआ है उसको x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको t का ग्राफ मान लो. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर उसको t का ग्राफ मान ले. उस हिसाब से सोचे, t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t 3 या 3 से छोटा होगा तो कब होगा? जब t 4 से छोटा होगा. ग्राफिकली ये बात समझ में आ जाएगी आपको. आई होप मैं समझा पाया हूं आपको ये शायद बात. ये और t कौन है? मेरा एक्स स्क्वायर है. इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से लेकर के 2. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2 है. यू गेटिंग इट? आई होप समझ में आ रही होगी बात. ये 3 या 3 से छोटा कब होगा? जब उसके अंदर में इनपुट 4 से छोटा जाएगा. क्योंकि 4 से बड़ा जो इनपुट होगा या 4 होगा तो आउटपुट 4 या 4 से बड़ा ही देगा. ऐसे समझे, क्लियर? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करने की भी जरूरत नहीं थी, कोई खास बात नहीं है. अंदर एक्स की पावर 4 होगा तब भी ऐसे काम करते, कोई चक्कर नहीं है. क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया. अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पर. थर्ड एग्जांपल या थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 लिखा है. अब पहले क्वेश्चन या दूसरे और तीसरे में एक फर्क है. पहले और दूसरे में एक्स स्क्वायर था अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के. यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया? यहां पर पुट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अदर वेरिएबल टी, और टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. इसको सॉल्व करते हैं
फिर ग्रेटर इंटीजर एक्स के बारे में सोच विचार करेंगे, सही है ना। पहले जो काम आसान है उसको सोचते हैं, नो डाउट दूसरा भी आसान है, पर बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है अपने को, या कम दिमाग लगाना है, ठीक। तो टी प्लस टू इंटू टी माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, और ऑब्वियसली यहां से ये माइनस टू और ये टू, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू आ जाती है, यानी टी इज लेस देन माइनस टू और टी इज ग्रेटर देन टू, और टी मेरा कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन माइनस टू और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन टू। यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन? बोलिए बोलिए, कोई परेशानी है तो बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत? अब एक एक करके एक एक काम की बात करते हैं। अब इतने पोर्शन को देखो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दो से बड़ा, आप अपने आप सोचे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके बाहर जो आउटपुट आता है इंटीजर ही आता है। अब दो से बड़ा है वो कब आएगा, जब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होगा। खुद सोच के देखें, क्योंकि तीन होगा इसके अंदर में इनपुट, तो आउटपुट तीन आएगा, तीन से बड़ा हो, तीन दो से बड़ा होगा, सही है ये बात। लेकिन 3.1 भी होगा तब भी ये बात सही आएगी, लेकिन तीन से जैसे छोटा हो गया, मान लो मैं यहां x ग्रेटर देन 2 कर देता और 2.1 इनपुट करूंगा तो वैल्यू 2 ही आएगी, और 2 आएगी, 2 2 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये आंसर, इस पार्ट का ये आंसर आएगा, और के इधर वाले पार्ट का। क्या ये मेरी बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, अब इस पोर्शन को देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस दो से छोटा है, माइनस दो से छोटा है मतलब, अब इसका आउटपुट माइनस दो से छोटा कब आएगा, आउटपुट तो इंटीजर आएगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स का तो आउटपुट केवल इंटीजर आएगा, वो तभी होगा जब वो माइनस थ्री होगा या माइनस फोर होगा या माइनस फाइव होगा, क्योंकि इसका आउटपुट माइनस टू इज लेस देन माइनस टू कहना गलत है, माइनस टू के आगे आगे तो अपन जाएंगे नहीं, माइनस टू के पीछे पीछे जाएंगे, माइनस टू के पिछला इंटीजर कौन आएगा इसका आउटपुट, माइनस थ्री, तो वो तभी होगा। आप सोच करके देखो, x इज लेस देन माइनस टू, मेरी बात पर दिमाग लगाओ, यहां पर x अगर माइनस दो से छोटा होगा, माइनस दो का से छोटे का मतलब लेट अस से माइनस टू पॉइंट वन, माइनस टू पॉइंट वन का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का थ्री होता है, और माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू, बिल्कुल सही आएगी बात। लेकिन अगर यहां में, और मुझे यहां पर इक्वालिटी नहीं लगानी है, इक्वालिटी लगा दूंगा माइनस टू का, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी माइनस टू रहेगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू नहीं करेगी, और माइनस टू से आगे जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का 1.3 करा मान लो, माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी माइनस टू होता है, अगेन इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो इसलिए इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन क्लोज थ्री से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर, क्योंकि हमने और लगाया है बीच में। क्या ये मेरी बात समझ में आई, उम्मीद है मुझे ये तीनों इनइक्वालिटी जो तीनों क्वेश्चन लिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे, एक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में एक्स की बजाय, हमें आदत एक्स की पड़ी जाती है, मैंने एक्स की बजाय कोई और वेरिएबल या एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर, कुछ भी रखोगे आप घबराइएगा मत, उसको अनदर वेरिएबल टी लगा करके सोचेंगे इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस ले लिया, ये लेस देन इक्वल टू वाला केस ले लिया, और एक मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अंदर रखा और बाहर स्क्वायर कर लिया लेस ग्रेटर देन वाला, और मेरे ख्याल में आपको ये मेरी बात अब समझ में आ गई होगी, क्लियर है, पक्का, नो टेंशन। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज, इंक्लूडिंग द ग्राफ्स, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।